दोस्तों आचार्य चाणक्य की नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मान जाते हैं। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक मान राजनीतिक एवं कूटनीतिक थे। उनके द्वारा बताई गई चाणक्य नीति को सीखने से आप जीवन किसी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। साथ ही साथ चाणक्य नीति का ज्ञान आपके लक्ष्य को पूरा करने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों शादीशुदा स्त्री को अपना बनाने के लिए बस आप उस औरत को देखकर ये शब्द बोल दो, वो आपकी मोहब्बत में दीवानी हो जाएगी, वो आपसे मिलने के लिए तड़पने लगेगी, वो आपको पाने के लिए बेताब हो जाएगी। आखिर ये शब्द क्या है, जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र हमारे जीवन के लिए अहम भूमिका निभाता है। अगर हम जीवन में ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र का सहारा लेते हैं तो जीवन में हमें कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों इसके लिए ज्योतिष शास्त्र उपायों को हमें करना होगा, चाहे वे प्रेम हो या कुछ भी हो। दोस्तों इन सब में ज्योतिष शास्त्र उपाय बहुत काम आता है। दोस्तों अगर आप शादीशुदा स्त्री को दिल दे बैठे हैं, शादीशुदा स्त्री से आप मोहब्बत करते हैं, तो बस आप उस स्त्री को देखकर ये तीन शब्द बोल दो, आप ओम नमः शिवाय शादीशुदा स्त्री का नाम लेकर वो आपकी हो जाएगी। बस आपने ये मंत्र बोलना है ओम नमः शिवाय और उस शादीशुदा स्त्री का नाम तीन बार बोल दें। दोस्तों आप देखेंगे वो स्त्री हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्री आचार्य चाणक्य जी अपनी चाणक्य नीति में इस बात का जिक्र करते हैं कि सच्चे दिल से अगर आप ईश्वर से मांगते हैं तो आपकी हर जायज मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों इस उपाय को करके आप अपनी मोहब्बत को पा सकते हैं। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी अपनी चाणक्य नीति में इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर आप जीवन में सफल होना और कामयाब होना चाहते हैं, जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको चाणक्य नीति का ये सहारा लेना होगा। चाणक्य नीति का साथ अगर आप अपने दिल में रखते हैं तो गहनता के साथ इस बार आपकी मदद करते हैं। ज्योतिष शास्त्र का ये पावरफुल उपाय करके आप घमंडी भी स्त्री को अपना बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।